एंड वेलकम टू स्टडी विद एमवी सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कक्षा 12 के हिंदी का सिलेबस की, यानी कि हमारे कक्षा 12 में हिंदी के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, पेपर में क्या क्या आता है। ठीक है, यानी कि ये तो सबको पता होगा कि जो हिंदी का पेपर होता है पूरे 100 मार्क्स का होता है, और 100 मार्क्स में भी हमारे दो पार्ट होते हैं, एक खंड क्या होता है और खंड क्या होता है। दोनों पार्ट हमारे 50-50 नंबर के होते हैं, यानी कि टोटल मिला के हमारे 100 नंबर का पेपर होता है, लेकिन खंड क में कौन से टॉपिक आते हैं और खंड ख में कौन से टॉपिक आते हैं, जानने वाली बात यहाँ पे ये हो जाती है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक होते हैं जहाँ से हम कम पढ़ के भी ज्यादा नंबर ले आए, जब हमको सिलेबस पता होगा तभी हम ये काम कर पाएंगे। तो चल के देखते हैं कि खंड क में हमारे कौन कौन से टॉपिक आते हैं। पहला ही आ जाता है हमारा हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य का विकास का मतलब क्या होता है कि मतलब हिंदी में जो गद्य का विकास हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, जैसे हमारी हिंदी बनी कैसे है, जैसे पहले लौकिक हिंदी क्या कहते हैं, लौकिक वैदिक ये सारी हिंदी थी, फिर पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट उसके बाद जाके हमारी हिंदी आती है। तो वो विकास का जो क्रम था वो किस प्रकार से था ये हमको देखना होता है हिंदी गद्य के विकास में, जिनमें से कौन कौन सी चीजें आती है, इनका उद्भव और विकास, यानी कि किस तरह से इनका उद्भव होता है यानी कि उद्गम, और इनका विकास का जो क्रम था वो क्या था। इसमें कौन कौन से युग आते हैं, शुक्ल युग आ जाता है, शुक्लोत्तर युग आ जाता है, विधाएं यानी कि इस युग की कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन से उपन्यास की रचना हुई है, इन सारी चीजों से जो क्वेश्चन बनता है वो हमारा आता है हिंदी गद्य के विकास में। यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन आता है और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो यहाँ से मिलके हमको मिलते हैं 5 नंबर। उसके बाद सेम इसी की तरह है काव्य साहित्य का विकास, यानी कि जब हम काव्य साहित्य के विकास में पढ़ेंगे तो काव्य साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं आती हैं, कौन कौन से वहां पे भी कौन कौन से युग आएंगे, जैसे द्विवेदी युग हो गया है, छायावाद युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवाद युग, ये सभी युगों की बात होगी। इन सभी युगों में कौन कौन सी रचनाएं हुई हैं, कौन कौन से रचनाएं हुई हैं, उन सब की चर्चा जब हम करेंगे तो वहां पे आ जाएगा काव्य साहित्य का विकास। यहाँ पे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं 5 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी कि यहाँ से भी हमको मिलते हैं 5 नंबर। उसके बाद आता है जो अगला टॉपिक हमारा, वो पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों के पर आधारित प्रश्न, यानी कि इसको हम कह रहे हैं तो 2 गद्यांश हमारे पेपर में आएंगे जिनमें से हमको कोई एक करना होगा, और वो गद्यांश हमारे किताब से ही होते हैं। तो ये वही कह रहा है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित जो 5 प्रश्न आते हैं और हर प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो 5 प्रश्न मिलके हमारे होते हैं 10 नंबर यहाँ से। ठीक है, यानी कि कोई 2 गद्यांश आएगा जिनमें से हम एक गद्यांश का उत्तर उसी में से पढ़ के देते हैं। ठीक है, तो 10 नंबर यहाँ से। और सेम इसी तरह से हमारा पद्यांश पे आधारित प्रश्न आता है, यानी कि जब जो हमारे 2 पद्यांश आएंगे उनमें से हमको किसी एक पद्यांश का उत्तर क्या होता है, देना होता है। यहाँ पे भी सेम यही होता है, जैसे गद्य पे आधारित प्रश्न हमने 5 करे हैं, उसी तरह से जो अगले 5 क्वेश्चन होंगे वो हमारे पद्य पे आधारित यानी कि कविता पोयम पे आधारित होंगे, यानी पोएट्री। वहां पे भी हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 10 नंबर हमारे गद्य से मिलते हैं और 10 नंबर हमारे पद्य से मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा क्या हमारा, गद्य में लेखकों का जीवन परिचय। भाई अगर गद्यांश हमने पढ़ लिया है तो गद्य की रचना जिसने की है उनको लेखक कहते हैं, तो हम लेखकों का जीवन परिचय देखेंगे, और इनमें से मैक्सिमम हमको 80 शब्द में ही लिखना होता है उनका जीवन परिचय, उनकी पढ़ाई लिखाई किस प्रकार से हुई है, उनकी भाषा शैली और कृतियां, ये सब कुछ मिला के हम लोग क्या करते हैं 80 शब्द में किसी न किसी लेखक का जीवन परिचय लिखते हैं और मिलते हैं हमको 5 नंबर। ठीक है, सेम उसी तरह से आएगा कि कवि का जीवन परिचय, जिस तरह हमने लेखक का जीवन परिचय लिखा है उसी तरह हमको अगला टॉपिक क्या आएगा हमारा, कवि का जीवन परिचय, यहाँ से भी हमको मिलते हैं 5 नंबर। उसके बाद में किसी कहानी का हमको चरित्र चित्रण करना होगा। ठीक है, कहानी का चरित्र चित्रण करने के लिए हमको मिलते हैं कितने नंबर, 5 नंबर का आता है। उसके बाद ये जो आ गया हमारा खंड काव्य, खंड काव्य के बारे में जो चर्चा होती है वो हमारे जिले का कौन सा, ठीक है, सबको अपने अपने जिले का पता करना होगा और उसी खंड काव्य को हमको लिखना होगा, और उनमें से भी क्या लिखना होगा,
विशेषताएं पूछ सकता है, क्वेश्चन में आएगा, हमको लिखना नहीं है, क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब इनकी क्या विशेषताएं हैं या उनमें जो पात्र दिए हैं उन खंड काव्य में जो भी पात्र दिए होंगे उनमें से किसी भी पात्र की विशेषता पूछ सकता है, क्या उनका चरित्र चित्रण पूछेगा कि इस खंड काव्य में इनका क्या रोल था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन के थ्रू आएगा क्वेश्चन, और हमको किस तरह कितना नंबर का रहेगा, 5 नंबर का। ये हो गए हमारे खंड क्या के बाद जो पूरे 50 नंबर के हो चुके हैं, ठीक है। आप लोग नंबर यहाँ से देख लीजिएगा कि हमने सब लिख दिया है कि 50 नंबर कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं खंड ख की। खंड ख भी हमारा सेम ऐसे ही 50 नंबर का पोर्शन होता है। इनमें से जो पहला हमने देख लिया है वो क्या है कि संस्कृत गद्य का कोई संस्कृत में हमारे गद्यांश दिया होगा जिसको हमको सह संदर्भ, वो भी हमारे कहाँ से होगा, किताब से ही होगा, ठीक है। तो संस्कृत का जो गद्यांश दिया होगा उनका हमको संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो संदर्भ और व्याख्या उसको करना होता है हिंदी में, ठीक है। यानी कि संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, वही है कि संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी में व्याख्या करना है, ठीक है। वो कैसा होगा, संस्कृत का कोई गद्यांश होगा, वहां से हमको मिलने हैं 7 नंबर। फिर इसी तरह से जिस तरह हमने संस्कृत के गद्यांश का क्या किया है हिंदी में अनुवाद, तो अब क्या करेंगे, संस्कृत पद्यांश का करेंगे हिंदी में अनुवाद, वो भी हमारी किताब से ही होगा, यानी कि संदर्भ सहित उसकी भी हम हिंदी में व्याख्या करेंगे, तो वो भी हमारा कितना नंबर देगा, 7 नंबर। यानी कि 7 नंबर में संस्कृत गद्य का आएगा हिंदी में अनुवाद करने को, और 7 नंबर का आएगा संस्कृत का पद्यांश जो है अनुवाद करने को, ठीक है। अगला जो आएगा वो पाठों पर आधारित अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब ये क्या है, संस्कृत कोई 4 क्वेश्चन दिए होंगे जिनमें से हमको सिर्फ 2 क्वेश्चन करना होगा, यानी कि इस टॉपिक में ये जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न 4 क्वेश्चन आएंगे और 4 क्वेश्चन में से हमको करना कितना होगा, सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि यहाँ से मिलके हमको कितने नंबर मिलेंगे, 4 नंबर, ठीक है। यानी कि 2 क्वेश्चन आएंगे जिनका हमको आंसर करना होगा और 1 क्वेश्चन का 2 नंबर, यानी कि यहाँ से हमको मिल जाएंगे 4 नंबर। अब बात करते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व में। काव्य सौंदर्य के तत्व में क्या क्या आता है, रस छंद और अलंकार आता है। तो जिसमें से रस जो आएगा वो हमको सभी रसों को पढ़ना है, ठीक है, और वहां से 2 नंबर आएंगे, छंद से भी 2 नंबर आएगा और अलंकार से भी 2 नंबर आएगा, ठीक है। यानी कि रस से भी कितना आएगा, सभी रसों को पढ़ना, और रस से भी हमारा 2 नंबर आएगा, छंद से भी 2 नंबर आएगा, अलंकार से भी 2 नंबर आएगा। इसका मतलब जो काव्य सौंदर्य के तत्व हैं यहाँ से कुल मिला के हमको कितने नंबर का क्वेश्चन आना है, 6 नंबर का। बात करते हैं उसके बाद निबंध की। निबंध क्या है, मतलब ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, जनसंख्या, पर्यावरण, विज्ञान, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन सभी की ज्यादा प्रायोरिटी होती है निबंध आने की। निबंध से हमको कितने नंबर मिलने हैं, 9 नंबर मिलने हैं। उसके बाद बात करते हैं संधि की। संधि से क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि 3 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन 1 नंबर, यानी कि संधि हमारे कितने नंबर की आनी है, 3 नंबर की। संधि में भी 3 संधि पढ़ना है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं समास। अगला जो टॉपिक है वो समास है। समास में सिर्फ हमको 3 समास ही पढ़ना है, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। इन 3 समास को पढ़ने से ही हमको 2 नंबर मुख्य का मिल जाता है। कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। समास में हमको अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास पढ़ने से 2 नंबर आना है, ठीक है। समास में पूरे टॉपिक को नहीं पढ़ना है। फिर बात करते हैं प्रत्यय। प्रत्यय हमारे कौन कौन से होते हैं और कैसे, मतलब प्रत्यय ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, कोई शब्द देगा कि इन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ऐसे भी, ठीक है। तो प्रत्यय से भी 2 नंबर, यानी 2 क्वेश्चन हमारा आएगा 2 नंबर। उसके बाद आता है विभक्ति परिचय। विभक्ति परिचय मतलब विभक्ति पूछता है कि ये कौन से विभक्ति का है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, ठीक है। तो विभक्ति परिचय से भी 2 नंबर का आएगा, यानी कि 1-1 क्वेश्चन है, 1-1 नंबर के, यानी कि 2 नंबर आएंगे। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है वो क्या हो गया, पत्र लेखन। जिस तरह से हमने निबंध को लिखा है उसी तरह हमको क्या करना है, पत्र लेखन का ज्ञान होना चाहिए। पत्र लेखन भी कैसा, पत्र कैसे होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक होते हैं, ये किस तरह से हो सकते हैं,
कार्यालय पत्र हो सकते हैं, यानी कि व्यवसायिक पत्र भी हो सकते हैं किसी व्यवसाय पर आधारित, या तो किसी के लिए आवेदन हो सकता है जैसे नौकरी के लिए आवेदन होता है, या फिर प्रार्थना पत्र होता है छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है। यानी कि कुछ इस तरह के पत्र हो सकते हैं जो हमारे पेपर में आ सकते हैं। और पत्र लेखन में हमको कितने नंबर का मिलना है, 8 नंबर का, यानी कि टोटल ये जो खंड क्षय हो गया ये भी हमारा हो गया है 50 नंबर का, ठीक है। तो ये हो गई हमारे 100 नंबर के हिंदी के सिलेबस की चर्चा। हिंदी में 100 नंबर में 90+ लाना बहुत ही आसान है। जितना हम लोग पूरे साल में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं और फिर भी हम लोग नंबर लेके आते हैं, उससे बहुत ही ज्यादा आसान है कि हिंदी में नंबर लेके आना। 1-1.5 महीने पढ़ेंगे और आराम से अगर इन टॉपिक्स को कवर करेंगे तो आराम से 90+ नंबर तो आ ही जाने हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो ये थी क्या सिलेबस की बात है। और हाँ, ये सामान्य हिंदी का सिलेबस है। और रही बात अगर साहित्यिक हिंदी की, तो साहित्यिक हिंदी का भी सिलेबस सेम है, बस यहाँ पे कुछ 2-4 चीजें और एक्स्ट्रा हमको साहित्यिक हिंदी में पढ़नी होगी। बाकी ये टॉपिक तो मस्ट है, यानी रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन 2-4 चीजें कुछ एक्स्ट्रा पढ़नी होती है। और ये बस अंतर इतना होता है कि सामान्य हिंदी में हमको चीजें थोड़ी सी ऊपर ऊपर से भी पढ़ने से काम चल जाता है, लेकिन साहित्यिक हिंदी में हमको गहराई से पढ़ना होता है, ठीक है। ये तो सबको पता होगा कि सामान्य हिंदी विज्ञान वर्ग वालों के लिए सामान्य हिंदी होता है, और साहित्यिक हिंदी होता है हमारे आर्ट बैकग्राउंड वालों के लिए, ठीक है। तो ये थी क्या हमारे सिलेबस की चर्चा, जो कि कक्षा 12 का हिंदी का सिलेबस था। तो अब आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करेंगे।